यमुनानगर के रादौर में बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार कार चालक ने सड़क से गुजर रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया, जिससे गुस्साए परिजनों ने एसके मार्ग पर महिला का शव रखकर जाम लगा दिया। मौके पे था, मैं स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसको गाड़ी पंचर था, हाइब्रिड गाड़ी लेके जा रहा था वो, तो बुढ़िया के मौके पे मौत हो गई। पीछे टक्कर मारी, बुढ़िया बेचारी यहाँ गिरी रोड पे टक्कर से, और वो गाड़ी से मतलब गिर पड़ी, उसके बाद में वो गाड़ी वाला हाइब्रिड लेके भाग गया। जानकारी के मुताबिक छोटा बास निवासी 55 वर्षीय जसमेरो देवी गांव चाहड़वाला में अपने रिश्तेदारों के यहां शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। वहां से वापस लौटते समय पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार चालक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद वो लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ी रही और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब गुस्साए परिजन और ग्रामीण आरोपी कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों के समझाने का प्रयास किया। करीब 2 घंटे बाद डीएसपी रादौर रजत गुलिया व डीएसपी यमुनानगर के कार चालक को जल्द गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खोला। लेडीज थी, हमारे गाँव की थी, छोटे बांस की, और जो स्कॉर्पियो गाड़ी वो व्हाइट कलर की आइडेंटिफाई की गई है, जो कैमरे में मिली गई है। और डीएसपी साहब रादौर, डीएसपी साहब यमुनानगर ने पूरा आश्वासन दिया है कि कल तक आज सुबह एसएचओ रादौर की ड्यूटी लगा दी है कि रात कोई उसको गिरफ्तार करने का कोई समाधान निकालेंगे, कि ताकि गाड़ी का पता लग सके, क्योंकि गाड़ी में पंचर था। और यहीं पर गाड़ी पर हमने भी 2-3 कैमरे अपने आप सर्च किए हैं, उसमें नंबर आइडेंटिफाई करके जल्द से जल्द कल सुबह उठते ही, जैसे ही बॉडी पोस्टमार्टम ओके आती है, उससे पहले ही उसका समाधान पुलिस ने अपने आश्वासन दिया है कि हम यहां से भी कार्रवाई खत्म करेंगे। फिलहाल आरोपी कार चालक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब देखना होगा पुलिस आरोपी को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। रादौर से कुलदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।